तो आप सबका स्वागत है हमारे 22221 छत्रपति शिवाजी महाराज हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस के पार्ट 4 में। तो अभी हम इगतपुरी स्टेशन से निकल रहे हैं और अभी हमें जाना है नासिक रोड स्टेशन की तरफ। और ये रिसेंटली लॉन्च हुई यानी कि इंट्रोड्यूस की गई हमारी रेलवे की तरफ से नई राजधानी है। और जो लोकोमोटिव है हमारे पास वो है ओजस वेब 7 अजनी सेड का। तो अगर आपने ये आगे के 3 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ जाके देख सकते हो। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं आगे भी ऐसे ही वीडियो लाने वाला हूँ। और ये पूरी एक रहेगी भोपाल जंक्शन तक, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि इसके बहुत सारे आगे जाके पार्ट आने वाले हैं। तो अभी हमें 75 की स्पीड लिमिट मिल गई है, तो चलो थोड़ा ट्रेन को एक्सीलरेट करते हैं। तो नासिक यहाँ से 46.7 किलोमीटर लेफ्ट है और हमें 6 बजे वहाँ पहुँचना है। तो तकरीबन हमारे पास आधा घंटा ही है नासिक रोड स्टेशन तक पहुँचने के लिए। तो हमें नासिक रोड स्टेशन पे ऑन टाइम पहुँचने के लिए एडी चोटी का जोन लगाना पड़ेगा। और ये मैंने कुछ कलर्स में चेंज किए हैं, अगर आपको पसंद आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि ये सही है। तो मुझे पता चले कि आप लोगों को पसंद आया या नहीं ये कलर्स चेंजेस। तो चलो अब थोड़ी देर में हमको 110 की स्पीड लिमिट मिलने वाली है, तो पहले 75 तक जाते हैं उसके बाद 110 करेंगे, क्योंकि अब बहुत ही शॉर्ट टाइम है हमें नासिक रोड स्टेशन पर पहुंचने के लिए। और वहाँ नासिक रोड पर सिर्फ हमारा 2 मिनट का ही हॉल्ट रहेगा। पीछे देख लेते हैं, और ये हमारा जनरेटर कार। तो चलो 110 की स्पीड लिमिट मिल गई, तो अब थोड़ा ट्रेन को एक्सीलरेट करते हैं। तो पार्ट 3 में हमने बैंकर्स को इगतपुरी स्टेशन पे छोड़ दिया था, जो बैंकर्स थे उनको। तो अब आगे कोई गार्ड सेक्शन नहीं है, तो हमें बैंकर्स की ज़रूरत नहीं होगी। तो अब फटाफट से थ्रॉटल दे के चलते हैं 110 की तरफ, क्योंकि लेट नहीं होना, प्रीमियम ट्रेन है तो प्रीमियम ट्रेन चलाते हैं, चलाना है। तो इंडियन रेलवेज में भी प्रीमियम ट्रेन बहुत ही कम लेट होती है, तो हमें वो बात का ध्यान रखना पड़ेगा। और ये हमारा पैसेंजर भी इस तरफ का, सिग्नल है पूरे के पूरे ग्रीन और ये हम 110 के ऊपर चले गए। कोई बात नहीं, चलो एक दो तो चलता है, पर मैंने थ्रॉटल को पूरा रिलीज कर दिया है। देखते हैं, सिग्नल है डबल अप्रोच, डबल ये यानी के, तो देखते हैं कौन सी ट्रेन आने वाली होगी। 50% मैं थ्रॉटल खोल देता हूँ, तो स्पीड मेंटेन होती रहेगी। 110 के ऊपर चली गई 50% थ्रॉटल में भी, तो गजब की पावर ये वेब 7 में। तो काफ़ी लंबे पार्ट मुझे बनाने पड़ेंगे अगर मुझे ये एक्टिविटी कम से कम पार्ट में ख़त्म करनी है तो। और बहुत सारी नई एक्ट भी आई है, वो भी खेलनी है मुझे। तो फटाफट से ये एक्टिविटी को हम एंड करेंगे लंबे लंबे पार्ट बनाकर। और मैं हर एक्टिविटी पूरी खेलता हूँ, कोई भी आधी अधूरी नहीं खेलता। ये हमारी कर्व ले रही है ट्रेन, तो आपको पूरी एक्ट मेरे चैनल पे देखने को मिलेगी। तो अच्छी खासी स्पीड मेंटेन हो रही है, तो ये थोड़ा हम डाउनग्रेडेड जा रहे हैं, तो थोड़ा स्पीड बढ़ेगी, पर हम थोड़ा थ्रॉटल कम कर देते हैं तो स्पीड मेंटेन हो। और ये हम 110 के आजू बाजू तक चल ही रहे हैं, तो यहाँ से हमारा अब डाउनग्रेडेड जाना चालू हो जाएगा।
और आई थिंक हम कोई स्टेशन को भी अब अप्रोच करने वाले हैं, देखते हैं कौन सा स्टेशन है। बजा के चलते हैं जो भी स्टेशन हो। तो ये है घोटी स्टेशन, तो हम स्किप कर रहे हैं बहुत ही बढ़िया स्पीड में। और वेब सेवन तो आग ही लगाने वाला है आज, क्योंकि बहुत ही बढ़िया वेब सेवन ये इंडियन रेलवेज में अब तक का सबसे सक्सेसफुल लोकोमोटिव। तो आप थोड़ी टोटल खोल देते हैं क्योंकि हमारा डाउनग्रेडेशन ख़त्म हो चुका है, तो थोड़ा टोटल खोल देते हैं। बहुत ही बढ़िया हमारे कोच साउंड करके गए। तो ये कोई तालाब घोटी स्टेशन के बाहर, बहुत ही बढ़िया नज़ारा। और ये जो खाली जगह आप देख रहे हो वहाँ बहुत ही जल्द सिंधी आ जाएगी नेक्स्ट अपडेट के बाद। और 106 FPS अभी हमें मिल रहे हैं, तो ये भी बहुत ही अच्छी अचीवमेंट है हमारे लिए 100 के ऊपर। तो अभी कोई ट्रेन मुझे नहीं लग रहा है ट्रैफिक ट्रेन आने वाली होगी, क्योंकि सिग्नल था येलो। तो देखते हैं ट्रैफिक ट्रेन का, तो अभी हमें इंतज़ार ही करना पड़ेगा। नासिक रोड, यहाँ से 38.2 किलोमीटर लेफ्ट और 27 मिनट अभी हमें बाकी है नासिक रोड स्टेशन पे पहुँचने के लिए। और ये थोड़ी ओवर स्पीड हो गई फिर से, क्योंकि हम जा रहे हैं डाउन ग्रेडियंट, इसलिए मैंने थोड़ा टोटल हल्का सा डिक्रीज कर दिया। फिर से खुलना पड़ेगा थोड़ा टोटल, क्योंकि हमें स्पीड भी मेंटेन करनी है। चलो चले गई, ग्रेडियंट चला गया, तो सही से अब टोटल को उपयोग में लेकर चलते हैं। और हॉन्टिंग करते तो चलेंगे ही, क्योंकि बहुत ही बढ़िया ये जो आप देख रहे हो सीन सीनरी। और हमारी ट्रेन बहुत ही बढ़िया कर्व भी ले रही है, तो ये सेक्शन पे आपको कर्व काफ़ी देखने को मिलेंगे। ये हमारा वेब सेवन का कैब व्यू, बहुत ही बढ़िया बनाया हुआ ये कैब व्यू। यहाँ से आप देख सकते हो पूरा कैब व्यू। तो बाहर से भी एक बार मैं बता दूँ, ये हमारी वेब सेवन की विंडो, और वो हम बैठे हैं गाड़ी चला रहे हैं ट्रेन को अपनी यहाँ पे। तो फिर से हम आई थिंक कोई स्टेशन को अप्रोच करने ही वाले हैं, देखते हैं कौन सा स्टेशन है। और कोचेस के साउंड तो बहुत ही बढ़िया, जैसा कि आप सुन पा रहे हो ये कितने बढ़िया साउंड है ये कोचेस के। ये बहुत ही नई रेक एकदम मिली हुई ये राजधानी को। आपको मैं बोर्ड दिखा दूं कि यही कोच है जो यूज़ की है। ये रहा, आप पढ़ पा रहे हो कि नहीं मुझे पता नहीं, ये देख लो 22221 डाउन एंड 22222 अप। राजधानी एक्सप्रेस छत्रपति शिवाजी महाराज हजरत निजामुद्दीन, जैसा कि आप देख पा रहे हो। तो सभी के सभी सिग्नल ग्रीन होते हुए, तो अभी भी हम थोड़ा क्लाइंब कर रहे हैं ग्रेडियंट पे। तो 0.08% है पार्ट 3 में, जैसा कि आपने देखा कि वो 3% से ऊपर चला गया था, तो हमने बैंकर्स का सहारा लिया था। तो नासिक रोड तो
अगर पुरी और नासिक रोड के बीच में इतना ग्रेडियंट नहीं है तो हमें बैंकर्स का सहारा नहीं लेना पड़ेगा, और दूसरी और ग्रेडियंट वाली जगह आएगी वो है इटासी भोपाल सेक्शन के बीच में, वो भी बहुत ही बढ़िया जगह है, बहुत ही मज़ा आएगा वो सेक्शन पे भी। वहाँ पे तो सीनरी बहुत ही भर भर के है और बहुत ही मज़ा आता है वो सेक्शन पे, पर काफ़ी ज़्यादा स्लो हमें जाना पड़ता है वो सेक्शन पे क्योंकि स्पीड लिमिट बहुत ही कम है वहाँ पे, आई थिंक 30 या 35 के करीब ही हमें स्पीड मेंटेन करनी पड़ती है। और ये पाड़ी स्टेशन को हम स्किप करने वाले हैं और यहाँ से आई थिंक ये लाइन अलग हो जाती है, आगे जाके मिलेगी पाड़ी स्टेशन पे से, तो बहुत ही बढ़िया मैं बाहर से दिखा दूँ ये पाड़ी स्टेशन। तो यहाँ से वो लाइन अलग चली गई, अब जो भी सामने से ट्रैफिक ट्रेन आएगी वो हमें पता नहीं चलेगा, और ये हमने वो स्पीड कर दी बातों बातों में, मैं देखना भूल गया और काफ़ी सारा लैग भी हो रहा है गेम पता नहीं क्यों। 95 के करीब तो FPS मिल रहे हैं पर पता नहीं क्यों गेम स्मूथ नहीं चल रहा आज, तो पूरा टोटल रिलीज़ करना पड़ेगा और ब्रेक लगाना पड़ेगा क्योंकि अब काफ़ी ज़्यादा हमारी स्पीड आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। तो 111-112 तक तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, पर उससे ऊपर जाती है तो हमें ब्रेक लगाना पड़ेगा। तो अच्छी खासी स्पीड हम मेंटेन तो करनी ही पड़ेगी, मैं थ्रॉटल को पूरा रिलीज कर देता हूँ। तो ये बहुत ही बढ़िया हमारे कोचेज भी साउंड कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया ट्रैक साउंड भी आ रही होगी आपको आई होप। तो 110 के ऊपर जाने ही वाली है तो देखते हैं, चली गई तो ब्रेक लगा देते हैं क्योंकि नहीं करनी है हमें वो स्पीड। सिर्फ हमें ये ध्यान में रखना है कि हम हर एक स्टेशन पे टाइम पे पहुँचे, अगर आप टाइम पे पहुँच नहीं रहे हो तो वो सामने से कोई ट्रेन जा रही है हाई, मुझे पता नहीं कि आप देख पा रहे हो नहीं, अगर आपके पास 1080p में देख रहे होगे तो भी आप मोबाइल में देखोगे तो वो नहीं दिखाई देगा। मैंने यहाँ से देखा कि कोई ICF कोचिस वाली ट्रेन जा रही थी हमारी ओपोजिट लाइन की वाली लाइन पे, अब हमें आई थिंक हमारी ओपोजिट वाली लाइन यहाँ पे मिल चुकी है। तो 27.4 किलोमीटर लेफ्ट यहाँ से नासिक रोड स्टेशन, और फिर से कोई ट्रेन आ गई ड्यूल एल्फो लोकोमोटिव 1104-1084। पीछे से देखते हैं कौन सी ट्रेन है, ताडोबा वीकली एक्सप्रेस विथ ड्यूल एल्को लोकोमोटिव जा रही है, तो आई थिंक वो लाइन हमें मिल ही गई। चलो बढ़िया है, अब हम अपने ट्रैफिक ट्रेन्स को देख सकेंगे। तो बैक टू बैक दो ट्रेन्स गई पर हमारी वो लाइन थोड़ी घूम के आने वाली थी, तो वो दो ट्रेन एक ट्रेन तो मिस ही हो गई, एक ट्रेन को हमने थोड़ा सा देख लिया ड्यूल एल्को लोकोमोटिव थे। तो ये कोई माइनर ड्रिल जा रहा है, अच्छा है यहाँ पे स्पीड लिमिट ड्रिल नहीं गई है पूरा, हम 110 पे इसको स्किप कर सकते हैं। तो मैंने ये बहुत ही कम स्पीड कर दी है, तो चलो अब थोड़ा टोटल दे दिया जाए, अब हम डाउन जनरल भी जा रहे हैं और ये कोई स्टेशन भी आ गया, असौली स्टेशन है ये, देखते हैं ये असौली स्टेशन, ये रहा असौली स्टेशन। तो आई थिंक बहुत छोटा स्टेशन और सामने से कोई ट्रेन भी आ गई, ये है 12870 हावड़ा मुंबई CST एक्सप्रेस विथ वेब सेवन के साथ हावड़ा CST एक्सप्रेस जा रही है इगतपुरी स्टेशन की तरफ, तो वो स्पीड हो गई क्योंकि हम डाउन ग्रेडियंट भी जा रहे हैं इसलिए ध्यान नहीं रहा मेरा, तो थोड़ी सी ओवर स्पीड हो गई। और चलो कोई बात नहीं, मैंने बोला था 112 तक तो चलेगा पर उससे ऊपर नहीं जाना है हमें, 1-2 तो चलेगा क्योंकि
ओवर स्पीड में कई कई बार क्या होता कि ट्रैफिक मिस हो जाता है। तो चलो आ गई हमारी जो स्पीड थी वो कंट्रोल में 110 के नीचे। तो अब थोड़ा टोटल दे देते हैं क्योंकि ज़्यादा हमें कम भी नहीं करनी है, 110 मेंटेन करनी ही पड़ेगी। नासिक रोड टाइम पे पहुंचना है और अभी 19 मिनट ही रह गए नासिक रोड स्टेशन पे पहुंचने के लिए और 22.8 किलोमीटर बाकी है यहाँ से नासिक रोड स्टेशन। और बैक टू बैक ट्रेन भी चलना चालू हो गई है, काफ़ी हाई ट्रैफिक एक्टिविटी ये रहने वाली है। और ये पहाड़ियाँ, जैसा कि आप सुनी पहाड़ियाँ देख रहे हो कुछ है नहीं, पर इन फ्यूचर ये सब सीनरी से भर जाएगा, यानी कि पेड़ पौधे और सब ऑब्जेक्ट लगा दिए जाएंगे आने वाले दिनों में। और ये सामने से कोई ट्रेन आ गई 12108 लखनऊ जंक्शन मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस विथ इटारसी शेड वेव 4। और ये इटारसी शेड का वेव 4 जा रहा है ये एक्सप्रेस ट्रेन को लेके, बहुत ही बढ़िया। और ये बड़ा ग्रीन बिल यहाँ पे खड़ा हुआ है, यहाँ से देखते हैं इस तरफ से दिखेगा। अभी यहाँ से प्रॉपरली शो नहीं हो रहा है तो मैं थोड़ा आउटर में से दिखा दूँ या थोड़ा पास जाके देखेंगे ये ग्रीन बिल को, यहाँ से देखते हैं। तो ये ग्रीन बिल्स हवा की मदद से बिजली उत्पन्न हो रही है, ये पंखा घूम रहा है और बहुत ही बढ़िया। ये सब चीज़ें कंडेंस रूट में ही आपको देखने को मिलेगी। तो अगर आपके पास कंडेंस रूट नहीं है और आप MSTS ओपन जेल खेलते हैं तो आप ज़रूर बाय करना कंडेंस रूट, बहुत ही बढ़िया रूट है। और ये विंड बिल की पंखे घूम रहे हैं और बिजली उत्पन्न हो रही है, बहुत ही बढ़िया प्लेस किया हुआ है ये विंड बिल, बहुत ही मज़ा आता है ऐसे ऑब्जेक्ट से हमें खांडे स्लूट में ही देखने को मिलते हैं। और सामने से कोई ट्रेन भी आ गई, फटाफट से ये विंड बिल को देखकर चलते आगे और देखते हैं। ये है 22.12 कर्मभूमि एक्सप्रेस विद WM4। तो बैक टू बैक ट्रेन सब हमें क्रॉस करने लगी है, तो बहुत ही बढ़िया बात है। मैंने ऐसा बोला था कि बहुत ही हाई ट्रैफिक एक्ट है ये, तो बहुत ही मज़ा आने वाला है ये एक्ट में। तो से हमें टोटल देना पड़ेगा क्योंकि हमारी ट्रेन हल्का सा क्लाइम कर रही है, तो मैं 60% के आजू बाजू टोटल रख देता हूँ तो अच्छे से स्पीड मेंटेन हो पाए। आई थिंक हम पहुँच ही जाएंगे नासिक रोड स्टेशन पे टाइम पे, ऑन टाइम तो हो ही जाएंगे नासिक रोड स्टेशन पे, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और ये कोई स्टेशन को भी हम अप्रोच करने वाले हैं, देखते हैं कौन सा स्टेशन है, पास आएगा तो पता चलेगा कौन सा स्टेशन है। और ये लाहौवी स्टेशन है जो हम स्किप कर रहे हैं और सिग्नल है डबल अप्रोच स्टेशन के, होम सिग्नल को एक बार देख लेते हैं बाद में पता चलेगा, नहीं अभी तो ये रेड है तो अभी कोई ट्रेन नहीं आने वाली है। और ये लाहौरी स्टेशन को हम स्किप कर रहे हैं बहुत ही बढ़िया स्पीड में भी और ओवर स्पीड में भी हम स्किप कर रहे हैं लाहौरी स्टेशन को। तो मैंने टोटल एकदम से रिलीज कर दिया और ये हमारा ट्रेन कभी लेकर आगे की तरफ बढ़ रही है, तो बहुत ही बढ़िया ट्रैक साउंड आपको सुनने को मिलेंगे क्योंकि बहुत ही बढ़िया ट्रैक साउंड यूज़ किए गए हैं। और आई थिंक फिर से वो अपोजिट लाइन वाली लाइन चली गई, हाँ अब वो फिर से घूम के आएगी उस तरफ से, तो अब हमें थोड़ा ट्रैफिक ट्रेन देखने को नहीं मिलेगा। तो चलो भगा भगा के हमने ट्रेन को ऑन टाइम पे तो कर ही दिया, थोड़ा सा ओवर स्पीड भी किया, तो चलो कोई बात नहीं।
पर हमने ट्रेन को ऑन टाइम तक कर ही दिया, तो आई थिंक हम ऑन टाइम पहुँच ही जाएंगे झांसी कलो स्टेशन पर, जो कि हमें 6 बजे पहुँचना है। तो 14 मिनट में 14 किलोमीटर करना हमारे वेबसाइट के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, और सिग्नल भी हमें पूरे के पूरे ग्रीन मिल रखे हैं, तो ये भी बहुत ही बढ़िया बात है कि हमें पूरे के पूरे ग्रीन सिग्नल मिल रखे हैं, और ये हमारा ट्रेन कर बहुत ही बढ़िया ले रहा है। तो वो जो ऑपोजिट लाइन थी वो वहाँ से घूम के आगे हमें कोई स्टेशन पे मिलेगी, मैं स्टेशन का नाम भूल गया क्या था, पर मुझे याद था पर अभी याद नहीं आ रहा। तो 13.5 किलोमीटर लेफ्ट है यहाँ से नासिक रोड, तो मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से हम नासिक रोड बिफोर टाइम पहुँचने की हमारी संभावना है, अगर हमारे पास सिग्नल सब ग्रीन रहे तो। और ये कोई बस खड़ी है वहाँ पर, आई थिंक खराब बराब हो गई होगी इसलिए यहाँ पे खड़ी हुई है ये बस महाराष्ट्र रोडवेज की। तो 60 FPS मेंटेन हो रहा है, अगर वहाँ से कोई ट्रेन ऊपर जाके देखता हूँ, पर वो लाइन अभी तो हमें नहीं दिखाई दे रही, तो बहुत ही जल्द वो लाइन भी हमें जुड़ जाएगी, आगे कोई स्टेशन है वहाँ पर। तो ये फिर से ओवर स्पीड हमने कर दिया, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा ओवर स्पीड कर रहे हैं, क्योंकि राजधानी स्पीड के साथ साथ कंफर्ट भी बहुत ही बढ़िया देती है, तो हमें पैसेंजर के कंफर्ट लेवल का भी ध्यान रखना होगा। और फिर से ओवर स्पीड, तो इस टाइम तो हमें ब्रेक लगाने पड़ेंगे क्योंकि हमें कंफर्ट लेवल, पैसेंजर के कंफर्ट लेवल का भी ध्यान रखना होगा। हम प्रीमियम ट्रेन चला रहे हैं, स्पीड के साथ हमें कंफर्ट भी देना पड़ेगा पैसेंजर्स को। तो आई थिंक वो लाइन हमें आगे जाके मिलने वाली है, ऑपोजिट लाइन की मुझे यहाँ से दिख रही है, आई डोंट नो आपको दिख रही है या नहीं। इस तरफ वो जहाँ आपको लाल पुलों वाला पुल दिख रहा है वहाँ पर है, तो चलो आ ही गई, देख सकते हो अब तो आपको दिखाई देगी ये रही। तो आई डोंट नो हमने कोई ट्रैफिक ट्रेन मिस की है या नहीं, तो आगे जाके हमें रेड सिग्नल मिल रखा है, पता नहीं क्यों पर रेड सिग्नल मिल रखा है। अब थोड़ा थ्रॉटल दे देते हैं, 44% मैंने थ्रॉटल कर दिया है, पर अब आगे रेड सिग्नल दिया गया है, हाई प्रायोरिटी ट्रेन है हमें, पर पता नहीं क्यों हमें आगे 4 किलोमीटर के बाद रेड सिग्नल मिल रखा है। तो आई होप जो भी ट्रेन आगे चल रही है उनको जल्दी से लूप लाइन में आके कोई स्टेशन पे लिया जाए, और आगे आई थिंक स्टेशन आएगा वो है देवलाली स्टेशन नासिक रोड के पहले। तो चलो सब सिग्नल रेड से हो गए हैं ग्रीन, तो अभी तो हमारे पास है परमिशन जाने की, और यहाँ से देवलाली स्टेशन आगे आएगा। और पता नहीं क्यों हमारी ट्रैफिक ट्रेन फिर से गायब हो चुकी है, फटाक से ट्रेन आ जाए और हमें पूरा 110 पे क्रॉस करे तो मज़ा आ जाएगा। बट मैंने टोटल लग दिया तो अच्छे से स्पीड मेंटेन भी हो जाएगी, और 7 किलोमीटर लेफ्ट है रह गया है यहाँ से नासिक रोड। तो ये देवलाली स्टेशन को हमने अप्रोच कर दिया, और ये न्यूट्रल सेक्शन था आपने जो सिग्नल के पास देखा, जो ट्रांसफॉर्मर्स लगाया हुआ था वो सिग्नल है ग्रीन, पर हमें स्टेशन के होम सिग्नल को देखेंगे, देवलाली स्टेशन के होम सिग्नल को है ग्रीन, तो कोई ट्रेन आने ही वाली होगी, तो पूरा का पूरा नासिक रोड तक अब हमें ग्रीन सिग्नल मिल चुका है।
वो आई थिंक हमारे आगे कोई ट्रेन भी चल रही है, पूरा ग्रीन सिग्नल नहीं मिला है। चलो वो भी मिल गया, आई थिंक हमारे आगे कोई ट्रेन चल रही है। अगर एक्ट मेकर ने थोड़ा सा गुड्स ट्रेन का तड़का लगा दिया होता है तो बहुत मज़ा आ जाता। और देखते हैं ये कौन सी ट्रेन आ रही है। ये 22082 गोरखपुर लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस विथ WP4। ये 4 था आई थिंक, नए नए कलर के वे 4 आ रहे हैं हमारी NSTS में और इंडियन रेलवेज में। अब तो इसका प्रोडक्शन भी बंद हो गया है ये WP4 का। तो चलो हमें सीधे परमिशन है सीधे नासिक रोड स्टेशन पे एंटर करने की। तो आई थिंक हम नासिक रोड स्टेशन तो बहुत ही बढ़िया पहुँचने ही वाले हैं। आई थिंक टाइम से काफ़ी जल्दी पहुँचने की हमारी संभावना है नासिक रोड स्टेशन पे। जैसे कि ये ट्रेन हर बार नासिक रोड स्टेशन पे टाइम से बिफोर ही पहुँच जाती है, वैसे ही हमने नासिक रोड स्टेशन पे बिफोर एंट्री माननी ही है। और सिग्नल है अप्रोच येलो, यानी कि देखते हैं कोई ट्रेन आती है कितनी देर में आती है। और बैक टू बैक ट्रेन आती है तो बैक टू बैक आती है। और कई बार क्या होता है कि हमारा ओपन रेल्स हमारे ट्रैफिक रेल्स को कई बार लेट चला देता है। तो हमें क्या लगता है कि ट्रैफिक ट्रेन आ नहीं रही है, बहुत देर हो गई, पर वो लेट ही उसको चालू करता है। जहाँ से उसका पेट चालू होता है वहाँ से लेट चालू होती है, इसलिए हमें कई बार ट्रेन को लेट मिलती है। और ये बहुत ही बढ़िया, जैसे रियल में स्टोन ट्रैक के नीचे होते हैं पत्थर, तो वैसे ही लग रहा है जैसा कि आप देख पा रहे हो। तो चलो अब थ्रॉटल को पूरा मैंने तो रिलीज़ कर दिया और ब्रेक भी लगा देते हैं क्योंकि हम 2 किलोमीटर ही लेफ्ट रह गया है और हमें अपना सिग्नल मिल गया है। तो थोड़ा हमें अपन ध्यान से ड्राइव करना पड़ेगा ताकि प्लेटफॉर्म क्रॉस ना हो जाए। और नासिक रोड स्टेशन पे हमारी एंट्री होने वाली है। और ये नदी बहुत ही बढ़िया नदी है या तालाब पता नहीं, आई थिंक तालाब ही है। इस तरफ से देखते हैं तालाब जैसा लग रहा है मुझे तो। और चलो अब फिर से हमें ब्रेक लगानी पड़ेगी क्योंकि बहुत ही तेज़ी से हम जा रहे हैं नासिक रोड स्टेशन की तरफ, इतनी तेज़ी में नहीं जाना है हमें। ओनो, पता नहीं क्यों सिग्नल रेड हो चुका है आगे, अभी था येलो अब हो चुका है रेड। तो देखते हैं आगे कौन सी ट्रेन आ गई। तो ये हुआ और आके चल भी दी, देखते हैं कौन सी ट्रेन है ये। विथ WDP4D है। तो ये है मंगला एक्सप्रेस 12617 मंगला एक्सप्रेस, जो नासिक रोड पे अपना शेड्यूल हॉल्ट लेने के लिए रुकी है विथ WDP4D। देखते हैं कौन से शेड का है। ए WDP4D विथ GOC शेड, पता नहीं GOC शेड कौन सा शेड होगा। तो ये WDP4D ने हमारा रास्ता रोक लिया नासिक रोड स्टेशन पे। तो आई थिंक उसको तो सिग्नल मिल रखे है, पर ये स्टेशन का स्टार्टर सिग्नल अभी ग्रीन नहीं हुआ है, इसलिए इसे अभी आई थिंक ये अपना शेड्यूल्ड हॉल्ट ले रही है नासिक रोड स्टेशन पे। तो आई होप ये जल्दी चली जाए और हम ऑन टाइम डिपार्ट कर सके नासिक रोड स्टेशन पे। तो थोड़ी ट्रेन अपनी आगे ले लेते हैं एकदम से सिग्नल ग्रीन हो गया था,
यानी कि रेड हो गया था, तो हमने एकदम से ब्रेक लगानी पड़ी, क्योंकि मैंने जब पहले देखा तो हमें परमिशन थी सीधा स्टेशन पे एंटर कर देने की, पर फिर मैंने जब बाद में देखा कि तो एकदम से सिग्नल रेड हो गया, तो मुझे एकदम से फुल ब्रेक लगाना पड़ा। तो आई थिंक हमें आगे ही जाके ये ट्रेन को ओवरटेक करना है कोई स्टेशन पे। बजाते रहते हैं तो स्टेशन मास्टर को भी पता चले कि आ चुकी है राजधानी एक्सप्रेस। तो आई थिंक वो ट्रेन निकल चुकी है, ब्रेक लगाना पड़ेगा आप हमें, नहीं निकली अभी तक। तो अभी ये शेड्यूल्ड हॉल्ट ले ही रही है, ये 12617 मंगला एक्सप्रेस विथ WDP 4D। पता नहीं क्यों इसको सिग्नल मिल नहीं रहा है, तो सिग्नल मिलने के बाद ही ये ट्रेन जाएगी आगे। तो हाई प्रायोरिटी ट्रेन को खड़ा कर दिया गया है ये कोई एक्सप्रेस ट्रेन की वजह से। आई होप ये ट्रेन को जल्दी सिग्नल मिल जाए तो हमें वन टाइम एंटर करने का मौका मिले नासिक रोड स्टेशन पे। चलते हैं फिर से अपनी ट्रेन की तरफ, और मैं सब पैसेंजर सब अब बाहर दरवाजे पे आके देखने लगेंगे कि क्यों हमें यहाँ पे आउटर पे खड़ा कर दिया गया है। यहाँ से नासिक रोड आउटर है जहाँ पे हमें खड़ा कर दिया गया है, तो वो ट्रेन जैसे ही जाएगी वैसे ही हमें सिग्नल मिल जाएगा नासिक रोड स्टेशन पे एंटर करने के लिए। FOE कम करके देखते हैं, तो अभी अभी वो ट्रेन खड़ी हुई नासिक रोड स्टेशन पे। चलो निकल दी वो ट्रेन। तो अब हमें सिग्नल मिल जाएगा नासिक रोड स्टेशन पे एंटर करने का। बहुत ही बढ़िया स्पीड में ट्रेन ने डिपार्चर ले लिया, UMD को बहुत ही बढ़िया एक्सीलरेशन। और ये स्टेशन के निकलते ट्रेन ने 110 की स्पीड हासिल कर ली। चलो अब हमें सिग्नल मिल जाना चाहिए, निकल गई तो हमें भी सिग्नल मिल गया। तो चलो ब्रेक को हमने रिलीज करके हॉर्न बजा के डिपार्ट कर लिया नासिक रोड स्टेशन की तरफ। तो कहाँ हम 5 मिनट बिफोर पहुँच रहे थे और वो एक्सप्रेस ट्रेन कहाँ से आ गई और हमें लेट करवा दिया नासिक रोड स्टेशन पे। तो बढ़िया है, आगे जाके उसकी भी हम ओवरटेक मार ही देंगे,
ओके, हमसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसी ट्रेन को कहाँ, राजधानी से ज़्यादा प्रायोरिटी किसी को मिलती है इंडियन रेलवेज में, तो उसे मिलेगी। तो बहुत देर हो चुकी है, कोई ट्रैफिक ट्रेन आए, आई होप जल्दी से कोई ट्रैफिक ट्रेन आ जाए तो बहुत ही बढ़िया मज़ा आ जाएगा। चलो नासिक रेलवे स्टेशन पे एंटर करते हैं। 20% का तो रख देता हूँ नासिक रेलवे स्टेशन का कॉल, तो अप्रोच करने वाले हैं नासिक रेलवे स्टेशन पे कुछ ही देर में। हमको तो आ ही गए, अब थर्टन को रिलीज करके ब्रेक लगाना चालू करते हैं। तो कई बार ना लगे ब्रेक तो मुसीबत हो सकती है, तो पहले से ही ब्रेक लगा देते हैं। तो ये हमारा ईओजी कोच आने ही वाला है, पर थोड़ा आगे जाके हम हमारा ट्रेन रोकेंगे। पूरा प्लेटफॉर्म पे आने के बाद भी, क्योंकि काफ़ी छोटी ट्रेन है और मैंने रिसेंटली देखा है कि जो नई राजधानी है, जो उसका दूसरा रन हुआ था, वो ड्यूल वेब 5 के साथ हुआ था। उसका सेकंड रन जो हुआ था, जो ये 22221 का सेकंड रन हुआ था, वो उसमें लगे थे ड्यूल वेब 5। और जो इनॉग्रल रन हुआ था उसमें लगा था ओजस अजनी सर का, जो हमें मिला है ये एक्ट में। तो थोड़ा सिग्नल के पास जाके ही रुकते हैं। चलो अब रोक देते हैं अपनी ट्रेन को। तो 11 सेकंड का स्टॉप है, पर हम थोड़ी देर ज़्यादा रुकेंगे क्योंकि वो ट्रेन भी आगे गई है। चलो अब निकलते हैं, सिग्नल तो आई थिंक हमें मिल ही गया होगा। हाँ सिग्नल मिल चुके हैं हमें आगे जाने के, तो चलते हैं आगे की तरफ। एक और बार हॉर्न बजा देते हैं और निकलते हैं नासिक रोड स्टेशन की तरफ से। ब्रेक को रिलीज कर दिया, इनिलाइज कर दिया और थ्रॉटल दिया, चल दी हमारी ट्रेन। हमारी ये 22221 नासिक रोड स्टेशन पे से, और यहाँ से हमारा नेक्स्ट स्टॉपेज होगा जलगांव जंक्शन। तो सीधे हम मेन लाइन पे ही है, तो थोड़ा सा फास्ट डिपार्ट कर सकते हैं मेन लाइन पे से। सिग्नल है ग्रीन, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आई थिंक सिग्नल अब हमें ग्रीन ही मिलेंगे जब तक वो ट्रेन तक हम पहुंच ना जाए। तो ये हमारा ईओजी कोच भी आ गया, बहुत ही बढ़िया साउंड करके गया। तो चलते अब हमारी ट्रेन की तरफ। ये सब चालू कर लूँ, सिग्नल है पूरे हमारे पास ग्रीन, स्लिप हो गया,
तो थोड़ा टोटल मैंने कम कर दिया। अब तो फटाफट से 110 करेंगे और यहाँ से 213 किलोमीटर है जलगांव जंक्शन, तो वहाँ पर हमें पहुँचना है रात को 8:15 पर। तो 213 किलोमीटर करने के लिए अभी हमारे पास है तकरीबन 2 घंटा और 10 मिनट, तो हमें स्टॉकिंग करीब गाँव में हमारी स्पीड मेंटेन करनी पड़ेगी अगर हमें जलगांव जंक्शन पे टाइम पर पहुँचना है। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, अगली हम जो बाकी की जर्नी हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो ये वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे, तो मैं जब भी इसका आगे वाला पार्ट बनाऊँ तो आपको पता चल जाए। और सब्सक्राइब किया है तो बेल आइकन को भी दबा दे, तो आपको पता चल जाए जब भी मैं ये पूरी अंक खेलने वाला हूँ। हर अंक में पूरी खेलता हूँ, पार्ट्स बनाता हूँ, तो अगर आपको मैं जब भी अपलोड करूँ नेक्स्ट पार्ट इसका तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बाजू में दिए हुए बेल आइकन को भी दबा दें, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए इसके नेक्स्ट पार्ट की मैं जब भी अपलोड करूँ। तो चलो बाय, हैव अ नाइस डे।